भारतवर्ष की एक प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी गुरुकुल। गुरुकुल जो न केवल शिक्षा प्राप्त करने का एक अनुपम मंदिर था, बल्कि वो विद्या मंदिर था जहां हर विद्यार्थी ज्ञान से समृद्ध और प्रकाशित हो जाता था। गुरुकुल परंपरा को हमारे ऋषियों ने इतने वैज्ञानिक तरीके से बनाया था कि उसमें सारे विद्यार्थियों का विकास निश्चित होता था। 5 वर्ष की आयु से विद्यार्थी गुरुकुल में 18 साल तक शिक्षा लेते थे। प्रतिवर्ष एक नया विषय जिसमें हर विद्यार्थी को निपुण और पारंगत किया जाता था, और पूरी शिक्षा प्राप्त कर जब हर विद्यार्थी गुरुकुल से बाहर निकलता था तो वो समाज में एक सफल जिम्मेदार नागरिक होता था, ज्ञान के भंडार से समृद्ध एक विद्वान होता था। ग्रेड्स, मार्क्स और रैंक्स को महत्व दिए जाने वाले आज के समय की मांग है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। इसीलिए मूल्यों पर आधारित भारत की प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की विरासत और आज की आधुनिक शिक्षा का अनोखा संगम अस्तित्व में आया। आत्मा मालिक एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आपका स्वागत है। यह कॉम्प्लेक्स श्री साई बाबा की पावन नगरी शिरडी से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 40 एकड़ की विशाल और प्राकृतिक सौंदर्य से सजी भूमि पर आत्मा मालिक एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शान से खड़ा है। इसकी स्थापना सन 2012 में विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम ट्रस्ट और आत्मा मालिक ध्यान पीठ द्वारा परम पावन परम पूज्य विश्वात्मक गुरुदेव जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हुई। इसकी बुनियाद 1995 में एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल से हुई। आज इस अंग्रेजी माध्यम स्कूल के साथ ही आत्मा मालिक एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कई शिक्षा संस्थाएं हैं, जिनकी वजह से आज इस कॉम्प्लेक्स को प्राचीन मूल्यों और आध्यात्मिकता पर आधारित गुणवत्ता आधुनिक एवं समकालीन शिक्षा का केंद्र माना जाता है। आत्मा मालिक शिक्षा संकुल में यह माना जाता है कि हर विद्यार्थी अपने आप में एक अद्वितीय व्यक्तित्व है। हर विद्यार्थी की सीखने समझने की क्षमता, विशेषता और कौशल अलग अलग है। इसीलिए हर विद्यार्थी के अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर निकालकर उसे और बेहतरीन बनाना बेहद जरूरी है, और यहाँ पूरी तरह काम आती है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। क्योंकि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली यह मानती है कि एक साथ समस्त विद्यार्थी, छात्र और छात्राओं का संपूर्ण विकास हो, सबकी वृद्धि हो। हर एक विद्यार्थी को आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा उस अद्भुत और दिव्य शक्ति से परिचित किया जाता है जिसका नाम है आत्मा। उन्हें यह एहसास दिलाया जाता है कि आत्मा सनातन और अविनाशी है। आत्मा ही इस सारे ब्रह्मांड की रचनाकार है। यही जीवन और प्राण की मूल शक्ति और कारण है। आत्मा ही परमेश्वर है। वह हर जीवित वस्तु के अंतःकरण में रहती है। यह एहसास विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण एक अच्छा इंसान बना देता है, जो दूसरों को आदर, सम्मान और प्रेम की नजरों से देखता है। यह परिवर्तन और आत्मज्ञान उन्हें समाज में असंतुलन पैदा करने वाले कुछ अंधविश्वासों पर जीत हासिल करने में मदद करता है। विद्यार्थियों के दिन की शुरुआत भोर 5:30 बजे होती है। अपने सचेत को प्रेरित रखने के लिए गुरुकुल प्रणाली में हमेशा से योग, ध्यान, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया गया है। इससे केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और बुद्धि भी प्रबल बन जाते हैं। एक तंदुरुस्त शरीर मन को तंदुरुस्त रखता है। यह दोनों ही बुद्धि के अच्छे विकास में मदद करते हैं। अच्छी बुद्धिमत्ता से हम अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।
आत्मा मालिक ने इस ज्ञान को बखूबी अपनी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अपने छात्रावास में आत्मसात किया है, जहां रोज सुबह विद्यार्थी योग, ध्यान, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार का सहजता से अभ्यास करते हैं। उसके बाद का स्नान विद्यार्थियों को तरोताजा कर देता है। जहां एक तरफ आधुनिक, समकालीन और गुणवत्ता वाली शिक्षा है, वहीं दूसरी तरफ विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। रोजमर्रा अलग अलग खेल विद्यार्थी 2 घंटों तक खेलते हैं। इससे उनका खेल विकसित भी होता है और शरीर चुस्त रखने में मदद मिलती है। संगीत एवं नृत्य के नियमित सत्र से उनके अंदर छुपी प्रतिभा की खोज करने में आसानी होती है। विद्यार्थियों का दिन रात को 9:30 बजे समाप्त होता है, जहां वो सोने जाते हैं ताकि उन्हें अच्छी नींद मिल सके और दूसरे दिन वे सब जोश से उठें। भक्ति भाव से नियमित रूप से आत्मा का चिंतन और स्मरण करना जरूरी है, और इसमें एक प्रक्रिया है, शरीर को आहार देना। ऐसा कहते हैं कि हम वैसे ही बनते हैं जैसा हम खाते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों को शुद्ध, शाकाहारी, पौष्टिक, स्वस्थ और उम्दा गुणवत्ता वाला आहार दिया जाता है, जो एक साफ सुथरे, स्वच्छ माहौल में बनाया जाता है। इस तरह का आहार विद्यार्थियों के मन और बुद्धि पर अच्छा असर करके उनके विचारों को उच्च बनाता है। एक विशाल भोजनालय में बैठकर भोजन से पहले और बाद में विद्यार्थी उस पूर्ण ब्रह्म यानी कि आहार की प्रार्थना करते हैं, ताकि आहार का शरीर पर सकारात्मक और स्वस्थ असर हो। भौतिक शिक्षा प्रदान करने के कार्य के साथ ही हर हफ्ते ध्यान और सत्संग के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ाने और विकसित करने में मदद होती है। संतों की संगत में विद्यार्थी ध्यान और सत्संग करते हैं। इससे मन में सकारात्मक विचार आते हैं, जैसे कि दूसरों की मदद करना, समाज के हित संबंधी काम करना, बड़ों का आदर सम्मान करना, खुद को उस आत्मा, उस ईश्वर को समर्पित करने की प्रक्रिया है सत्संग। और इसीलिए ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए एक विशेष वास्तु का निर्माण किया गया है, जहां कैंपस का स्टाफ, विद्यार्थी, साधु संत आकर ध्यान करते हैं। स्कूल में भी 2 लेक्चर के दरमियान विद्यार्थी आंखें बंद करके बीते लेक्चर में क्या सीखा, इसका विश्लेषण और होने वाले लेक्चर के लिए खुद को तैयार करते हैं। यह 2 मिनट उनके मन और शरीर को तनाव मुक्त करते हैं। गुरुकुल एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें हर एक विद्यार्थी को आध्यात्मिक और भौतिक शिक्षा द्वारा तराश कर आत्मनिर्भर किया जाता है। विद्यार्थियों को अनुशासन प्रिय, सकारात्मक सोच रखने वाले जिम्मेदार नागरिक और आदर्श व्यक्तित्व में परिवर्तित किया जाता है। आत्मा मालिक एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निवासी सुविधाओं के साथ ही सभी प्रकार के बोर्ड्स के पाठ्यक्रम हैं। शिक्षा देने के लिए कई स्कूलों का निर्माण किया गया है। आत्मा मालिक एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के विद्यार्थियों ने सभी क्षेत्रों में अव्वल स्थान हासिल किया है। स्कॉलरशिप परीक्षा जैसे NMMS, NTS और अन्य छात्रवृत्ति परीक्षाओं में यह संकुल नंबर 1 है।
कई खेलों के लिए प्रतिवर्ष इस संकुल के 50 बच्चों को अपनी प्रतिभा के बल पर नेशनल स्तर पर खेलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कला, संगीत, नृत्य, ड्रामा और अन्य कई क्षेत्र की अनेक प्रतियोगिताओं में प्रतिवर्ष संकुल के प्रतिभाशाली विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं और प्रतियोगिताएं जीत कर आते हैं। और इसीलिए आत्मा मालिक एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में दृढ़ विश्वास रखता है। हम आपके बच्चे को और आपको आधुनिक समकालीन शिक्षा प्रणाली का एक हिस्सा बनकर आध्यात्मिकता और प्राचीन गुरुकुल परंपरा का अद्भुत अनुभव प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं।